इस समाचार के प्रायोजक है दीवान फिजियोथेरेपी क्लिनिक स्पॉन्डिलाइटिस क्लिप डिसाइटिका। फ्रैक्चर होने पर ऑपरेशन के पहले या बाद में होने वाले जकड़न से परेशान मरीजों के लिए पांडुर्ना में दीवान फिजियोथेरेपी लाए हैं आधुनिक मशीनों द्वारा उपचार। उच्च शिक्षा प्राप्त फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रीति दीवान के मार्गदर्शन में गर्दन, कंधा, कोहनी, कमर, घुटना या एड़ी में दर्द जैसी बीमारियों से पा सकते हो छुटकारा। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को उभरने के लिए आज ही संपर्क करें दीवान फिजियोथेरेपी क्लिनिक, पेट्रोल पंप के सामने, तार बाजार, पांडुर। वरदान इंटरप्राइजेस, खेती में मजबूत आधार का दूसरा नाम। हमारे यहाँ ड्रिप फिनोलेक्स, पीवी पाइप फिनोलेक्स, मोटर पंप, फ्लोटेक कंपनी की मोटर, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग में सब्सिडी में प्रकरण तैयार करके देने की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता वरदान इंटरप्राइजेस, जलाराम मंदिर के सामने, पांडुर्ना नागरिक सहकारी बैंक के बाजू में, पांडुर्ना। आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्ड पार्षद का आरक्षण मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ, जिसमें नगर पालिका परिषद चुनाव में वार्डों के आरक्षण की स्थितियां स्पष्ट हो गई है। इस आरक्षण प्रक्रिया से नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ओर जहां चुनाव लड़ने का सपना देख रहे नेताओं के सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से काबिज नेताओं के लिए चुनौतियां बनती हुई दिखाई दे रही है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पद का पूर्व में ही आरक्षण हो चुका है। अध्यक्ष पद OBC मुक्त आरक्षित हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग से महिला पुरुष कोई भी अध्यक्ष चुनाव के लिए लड़ सकता है। आरक्षण प्रक्रिया में कुल 30 में से 10 वार्डों का आरक्षण OBC वर्ग के लिए हुआ है। इनमें वार्ड नंबर 1, 4, 8, 10, 11, 13, 20, 24, 28, 29 OBC वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेता मुख्य रूप से सभाकक्ष में उपस्थित थे। आरक्षण की प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम से हुई है। इस आरक्षण प्रक्रिया के दौरान SDM RR पांडे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी RK यूनाती भी उपस्थित थे। मराठी श्रावण मास पर मोही जलाशय स्थित शिव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ श्रावण मास में शिवलिंग का अभिषेक करने रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। सोमवार को शिव भक्तों ने अपनी आस्था का परिचय देते हुए मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग का पूरे विधि विधान के साथ अभिषेक किया। इसी तरह भजन कीर्तन से सोमवार को वातावरण भक्तिमय बना हुआ रहा। यहाँ की देखरेख करने वाले प्रकाश शांडिल्य और पंडरी महाले ने बताया कि मोही जलाशय के आसपास स्थित प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित शिव मंदिर वर्षों वर्ष से आसपास रहने वाले हजारों लोगों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा पाठ कर भंडारे का आयोजन करते हैं। मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान रामदास राउत द्वारा संपन्न कराया जाता है। उन्होंने बताया कि श्रावण सोमवार को शिव जी का अभिषेक करने विशेष रूप से श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ के मनोरम वातावरण में पूजन का एक अलग ही आनंद आता है। बरसते पानी में भी नहीं रुके कदम और जगह जगह शान से लहराया तिरंगा। सोमवार को सुबह से लेकर देर रात बरसात का मौसम छाया रहा, फिर भी स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने में कोई कसर नहीं छूटी। बारिश में भी प्रभात फेरी निकाली गई। शहर के सभी मुख्य स्थानों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से वातावरण गूंजता रहा। मुख्य कार्यक्रम स्थल MPL मैदान पर शासन के निर्देशानुसार जनपद पंचायत की अध्यक्ष लता तुमड़ाम ने ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम में विधायक निलेश उइके, नगर पालिका के अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल, SDM RR पांडे, तहसीलदार वीर बहादुर सिंह ध्रुवे, CMO RK इवनाती, जनपद पंचायत के CEO ललित चौधरी और सभी विभागों के प्रभारी अधिकारी व जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। सामूहिक राष्ट्रगीत के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बनाए गए स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाए गए। NCC कैडेट्स की परेड ने अतिथियों को सलामी दी। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरण हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ग्राम मारुड़, तिगाव, धावड़ी, खापा में बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी।
कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।